हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज मेरा है काठमांडू में तीसरा दिन। आज मैं निकल रहा हूँ अपने काठमांडू, जहाँ मैं एयरपोर्ट के पास होटल में रुका हुआ था, वहाँ से थमेल के लिए। थमेल यहाँ का पार्टी हब माना जाता है। अगर काठमांडू में आप हैं तो थमेल में रुकना आपका बनता है, अगर आप वहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, पार्टी हब एंजॉय करना चाहते हैं। मोस्टली टूरिस्ट वगैरह जो होते हैं वो थमेल में ही रुकते हैं। जितने भी इंडिया से टूरिस्ट ऑपरेटर के थ्रू टूर लाए जाते हैं, जो थोड़े से एजेड लोग होते हैं, जो एक कहते हैं ना रिलीजियस टूर पे आते हैं यहाँ पे पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए, वो लोग ज़्यादातर इस एरिया में रुकते हैं और यहीं से वापस निकल जाते हैं या दूसरी जगह निकल जाते हैं। लेकिन वो लोग थमेल नहीं जाते। थमेल जाते हैं जितने भी यंगस्टर होते हैं, पार्टी लवर्स होते हैं, जिनको नाइट लाइफ एंजॉय करना पसंद होता है। तो मैं भी आज वहीं के लिए निकल रहा हूँ, आपको लेके चलूँगा और फिर आपको थमेल की नाइट लाइफ और वहाँ के पार्टी कैसे होती हैं, वहाँ के लोग बाग कैसे, टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं एंजॉय करते हैं, वो सब दिखाऊँगा। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपको अपने होटल का टूर कराऊँगा जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, कि आप लोग अगर यहाँ आते हैं तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, रूम रेट वगैरह आपको क्या पड़ेंगे, सब कुछ दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे थमेल की तरफ, थमेल अपने होटल में, जहाँ मैंने नेक्स्ट अपना होटल बुक किया हुआ है। तो सबसे पहले आप रूम का और होटल का पूरे का एक टूर कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे एंट्री करते ही ये राइट साइड में आपको वॉशरूम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक डस्टबिन मिल जाएगा, टेबल है, एक कंफर्टेबल बेड है, बेड काफ़ी कंफर्टेबल है, जो इसका गद्दा वगैरह है, एक ब्लैंकेट मिलेगा, मतलब रजाई है, ब्लैंकेट नहीं, ये आपकी रजाई। ये रात को यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, लेकिन उसके हिसाब से जो मुझे रजाई दी गई थी काफ़ी अच्छी है, मतलब ठंड लगी नहीं बिल्कुल भी, इसमें ऐसा नहीं लगा कि भाई बहुत ठंड है और ये रजाई एक ही है तो मुझे कुछ दिक्कत आई होगी, नहीं। बेड के साथ में ये आपको एक टेबल मिल जाती है अपना सामान वगैरह रखने के लिए, यहाँ पे आप कुछ भी जैसे लाते हैं, जैसे मैंने अभी की वगैरह, अपना ईयरबड वगैरह, पानी बॉटल रख रखी है। ये आपको एक बॉक्स मिलता है टिश्यू पेपर वगैरह रखने के लिए, होटल से कहते हैं तो वो इसमें फिल कर देते हैं, या आप अपने लाते हैं तो आप अपने रख के यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये आपको अलमीरा मिल जाएगी एक, जिसमें आप अपना बैग वगैरह रख सकते हैं। ये अंदर से दिखा देता हूँ। सोफा टाइप आपको मिल जाएगा, छोटी सी साइड टेबल है, टीवी मिल जाता है, बॉक्स वगैरह सब लगा हुआ है, लेकिन टीवी तो कौन ही देखता है। अगर हाँ टाइम है आपके पास, खाली बैठे हैं, देखना है तो देख सकते हैं, और मेरे को तो समझ में आता नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर नेपाली चैनल वगैरह आते हैं, भाषा समझ में आती नहीं तो क्या देखना भी इसमें। यहाँ पे ये आपको एक फ़ैन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी इतनी होती है कि एसी की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये फ़ैन भी मैंने तो एक बार भी नहीं चलाया, लेकिन ऐसे ही दे रखा है इमरजेंसी के लिए, कभी आपको लगे दिन में तो आप चला सकते हैं। अदर रूम में अगर कहीं एसी भी होगा तो वो मैं अभी ऑनर से बात करके बता दूंगा, वैसे मुझे लगता नहीं यहाँ पर एसी की ज़रूरत ऐसी पड़ने वाली है किसी को। सबसे खास चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई थी वो दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरा जो ये रूम था ये है
यहाँ पे फोर्थ फ्लोर पे। तो अब फोर्थ फ्लोर पे चढ़ना उतरना तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह एक बार उतरता हूँ जब घूमने निकलता हूँ, उसके बाद सीधा रात को ही चढ़ता हूँ। जब दिन में कभी आना पड़ा आराम करने के लिए तो ये 2 या 3 बार हो जाता है बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये 4 मंजिल चढ़ने उतरने का जो मेरे को मेन फ़ायदा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सामने ही मेरे विंडो है और विंडो से जो व्यू आता है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत गजब का होता है, वो दिखाता हूँ आपको। ये विंडो देखिए, इसको हम खोल लेते हैं। ये पहले जाली लगी हुई है कि मच्छर वगैरह ना आए। आपको अगर हवा चाहिए तो ये शीशे वाला ये खोल के रखिए और ये जाली वाला बंद करिए, तो मच्छर वगैरह अंदर आएंगे नहीं लेकिन हवा आती रहेगी, इस तरीके से दे रखा है। तो ये हो गया अपना विंडो और ये सामने नज़ारा है। अभी सामने पूरा बादल हो रखे हैं, क्लाउडी है तो कुछ दिख नहीं रहा, वरना सामने से पूरी की पूरी जो पहाड़ का वैली व्यू दिखता है, चार यहाँ से आपका, यहाँ से लेके आपका पूरा उधर पूरा वैली व्यू पहाड़ दिखते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लगता था। ये मैंने जब दिन के टाइम क्लियर टाइम में देखा था, काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। वॉशरूम देखिए, एकदम नीट एंड क्लीन। यहाँ पे आपको एक टॉवल मिल जाता है, शॉवर है जिसमें गर्म और ठंडा दोनों पानी आता है 24 घंटे। यहाँ पे क्योंकि ठंड होती है तो गर्म पानी की जरूरत पड़ती ही है। ये एक मिरर मिल जाता है, वॉश बेसिन है। आपको ये लोग एक छोटा डेटॉल का सोप देते हैं, 2 शैम्पू पाउच देते हैं, यूज कर सकते हैं आप। अंदर ही पावर सॉकेट भी है, टॉयलेट में अगर कभी हैंड ड्रायर वगैरह लाते हैं वो लगाना है तो वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये लाइटिंग बटन और एक पावर सॉकेट मिल जाता है आपको, और एक पावर सॉकेट नीचे भी है जहाँ पे मैंने अपना मोबाइल का चार्जर लगा रखा था। तो ये था मेरा रूम जहाँ पे मैं ठहरा हुआ था। तो अब मैं नीचे चलता हूँ, आपको नीचे का पूरा होटल दिखाता हूँ और फिर यहाँ के जो प्रॉपर्टी ओनर है उनसे बात करके आपको रूम रेट वगैरह बताऊँगा मैं अपने रूम का। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं मेरा होटल, तो मैं आपको इसका एक बार बाहर से लुक दिखा देता हूँ, फिर पूरा अंदर से दिखाऊंगा। रिसेप्शन पर और लेफ्ट साइड में आपको सिटिंग एरिया मिल जाएगा। काउंटर है यहाँ का और ये यहाँ के मैनेजर साहब हैं, इनका नाम है मानस। पीछे जो आप मेरे देख पूरा बार काउंटर टाइप लगा हुआ है, ये यहाँ पे नॉर्मल चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी। ये यहाँ का रेस्टोरेंट एरिया जहाँ आप बैठ के अपना नाश्ता
लंच डिनर स्नैक्स वगैरह कुछ भी ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं। तो अब जान लेते हैं जो यहाँ के ओनर हैं नेत्रा जी, उनसे यहाँ के रूम टैरिफ के बारे में कि रूम आपको कितने का पड़ेगा, कौन सा पड़ेगा। ये है हमारे यहाँ के जो ओनर है, प्रॉपर्टी ओनर नेत्रा जी। अच्छा तो बताइए कि आपका यहाँ का रूम का रेट वगैरह क्या है। यहाँ का रूम का रेट सिंगल बेड का अभी नेपाल का NC 1500 पड़ेगा, और डबल बेड का बड़ा रूम होता है उसमें 3 आदमी 4 आदमी तक बैठ सकता है, उसका नेपाल NC 2000 पड़ेगा। 2000 हाँ, ऐसा है। डिलक्स रूम भी है, क्लासिक भी है, सब कुछ, सब रूम है यहाँ के होटल में, होटल प्राणी साइन। तो इन्होंने बताया कि इनका जो सिंगल रूम है, मतलब जिसमें 2 बंदे रह सकते हैं, उसका 1500 रुपये है। 1500 में ये नेपाली रुपीज़ बता रहा हूँ आपको, इंडियन नहीं, तो इंडियन में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। और जो बड़ा रूम होता है जिसमें 3-4 बंदे तक रुक सकते हैं, उसका 2000 है। और इनके डिलक्स रूम्स वगैरह भी हैं, तो मतलब जैसी फैसिलिटी आप वेरी करोगे उस हिसाब से थोड़ा प्राइस ऊपर जो होता रहेगा, लेकिन फैसिलिटीज यहाँ की बहुत बढ़िया हैं, बहुत गजब की हैं। खाना बढ़िया है, मैंने अपना यहाँ पे रात को डिनर भी लिया था, सुबह मैं ब्रेकफास्ट वगैरह ले रहा हूँ 2 दिन से, सब कुछ बढ़िया है। आएंगे यहाँ पे रुकिए, आपको पूरी फैसिलिटी मिलेंगी। और ये नेत्रा जी, इनकी पूरी फैमिली ये होटल रन करती हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपको। आपको आसपास के अगर टूर वगैरह करने हैं उसमें भी आपको गाइड कर देंगे, टैक्सी वगैरह चाहिए वो भी बुक करवा के दे देंगे आपको घूमने फिरने के लिए। आपको पूरी तरह से हर सारी हेल्प की जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा, अगर काठमांडू में एयरपोर्ट आप आ रहे बाई फ्लाइट आ रहे हैं और एयरपोर्ट के आसपास का एरिया ढूंढ रहे हैं, तो आप इधर रुक सकते हैं, क्योंकि इतने कम प्राइस में एयरपोर्ट के पास में आपको और क्या चाहिए। अभी मैं बैठ गया था अपने होटल के रेस्टोरेंट में, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर इसके बाद लेके चलते हैं आपको थमेल के लिए। तो ये था पूरा मेरे होटल का टूर, जो मैं जहाँ मैं रुका हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, ऑनर से बात भी करा दी आपकी। बाकी की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ का ईमेल आईडी चाहिए या फ़ोन नंबर्स वगैरह यहाँ पे कॉन्टैक्ट करने के लिए, और एड्रेस वगैरह वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद निकलेंगे थमेल के लिए। और यार, चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आने वाली हैं, आपके लिए मैं बनाने वाला हूँ। अब इतनी मेहनत कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ जगह जगह, अपना ऑफिस टाइम और ये छुट्टी टाइम दोनों मैनेज कर रहा हूँ इतना कुछ, तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है आप लोगों का। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो में कैसे लग रही है वीडियो, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा उसका। और हाँ, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, अभी मैं बैठ गया था कैब में, मतलब टैक्सी बुला ली थी मैंने पथाओ कैब से ही, अभी मैं जा रहा हूँ थमेल के लिए। टैक्सी का जो मेरे को फेयर दिखा रहा था वो दिखा रहा था 385 नेपाली रुपीज़। तो अब चलते हैं वहाँ पे होटल पे, आपको बीच रास्ते का नज़ारा दिखा देते हैं।
अभी मैं पहुंच गया था थमेल के अपने होटल के अंदर, बाइक चलते हैं बताओ टैक्सी करके मैं आया था आपको, मैंने बताया उसमें मेरा जो चार्ज था वो 385 रुपये बना था, और उसमें क्योंकि सामान मेरे पास थोड़ा ज़्यादा था, बड़ा बैग था और एक जो छोटा बैग ये भी काफ़ी हैवी है, तो बाइक पे ये कैरी नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने टैक्सी कर ली थी और टैक्सी करके फिर मैं आ गया आराम से यहाँ पे। अब होटल पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे अब रुकेंगे और फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में थमेल की नई जगहों के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि थमेल की अमेजिंग वीडियोस यहाँ के नाइट लाइफ क्लब वगैरह किस तरीके से होते हैं, कैसे लोग यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा थमेल एक पार्टी अब माना जाता है। तो अगली वीडियोस थमेल की नाइट लाइफ और पार्टी से रिलेटेड होंगी, तो बने रहिएगा। अगर मेरे साथ साथ थमेल की घर बैठे वर्चुअल पार्टी हब देखना चाहते हैं, नाइट लाइफ देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो मेरे इस चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, बाय।